आहिस्ता आहिस्ता हुआ सब कुछ, मुझे पता भी नहीं चला और हैदर मेरे दरमियान फासला आ गया। कभी कभार जब हम रोज साथ रहते हो तो हमें लगता है कि फासला नहीं आएगा, हमें पता भी नहीं लगता। और एक घर में, एक बेडरूम में 24 घंटे रहते हुए भी दो इंसानों के बीच में मीलों का फासला आ जाता है। यही हुआ हैदर और मेरे दरमियान। तो इन फासलों को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करती? मम्मी आपको लगता है मैंने नहीं कोशिश की? बहुत कोशिश की है मैंने, लेकिन फासला दो लोगों के मिटाने से मिटता है, एक तरफ से नहीं मिटता। तुम्हें हैदर से शिकायत क्या है बेटा? शिकायतों का ढेर है, और हैदर को तुमसे उसका भी ढेर होगा। एक ढेर है शिकायतों का तुम दोनों को एक दूसरे से। जब दो इंसानों को एक दूसरे से एक या दो शिकायतें हो ना बेटा, तो ये कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन अगर शिकायतों का ढेर बन जाए तो बहुत बड़ा मसला है। मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी कि वो हैदर को यहां बुलाए। शंदाना, क्या हुआ बेटा, तुम रो रही हो? कुछ नहीं मम्मी, बस सर में दर्द है। सर में दर्द है बेटा तो दवाई ले लेते हैं ना, रोते थोड़ा ही है। मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। इस मेंटल टॉर्चर से मैं इतना थक गई हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता मम्मी। हैदर से झगड़ा हुआ है क्या? हैदर और मेरे दरमियान झगड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। हैदर, उसकी बेटी, उसका ऑफिस, इस ट्रायंगल में मेरी कोई जगह नहीं बनती मम्मी।